की ओर। सुपौल के प्रतापगंज प्रखंड क्षेत्र गोविंदपुर पंचायत भवन में भारतीय जनता पार्टी जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र ऋषिदेव ने की। बैठक में 2024 लोकसभा आम चुनाव को लेकर चर्चा की गई और रणनीति तैयार की गई। जिला अध्यक्ष ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 9 साल बेमिसाल के तहत उनके क्रियाकलाप को लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक की गई है। बैठक का मूल उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना इनकी जिम्मेवारी हम सभी कार्यकर्ताओं की है। आज उसी निमित्त जो है यहाँ बैठक की गई है। जैसे आज बैठक में आपके बहुत सारे नए नए लोग जुड़े हैं, ठीक है, उस पर क्या? आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जो आज सदस्यता ग्रहण किए हैं, मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मुझे आशा है कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के कामकाज से खुश होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त किया है। मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूं। आगे 2024 को लेकर के आपकी पार्टी की क्या मतलब रणनीति है? आगे 2024 के चुनाव को लेकर के हम लोग सभी कार्यकर्ता पूर्ण रूप से एक्टिव मोड में हैं और बूथ स्तर पर हम लोग काम करेंगे। बूथ जिस भी स्थिति में जीता जाए, पहले हम लोग बूथ जीतेंगे। अगर बूथ हम जीत जाते हैं तो चुनाव जीतना बिल्कुल तय है। और पुनः 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के हम लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो भी प्रयास मेहनत करना पड़े वह सभी कार्यकर्ता जो है मेहनत करने के लिए तैयार है। सर, 2024 और 25 के चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, 2024 का चुनाव जो है यह देश के हित के लिए चुनाव है और आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत जो है आप सभी दृष्टि, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, सामरिक दृष्टि से हो या एक प्रभुत्व राष्ट्र के दृष्टि से हो, विकास की दृष्टि से हो, आज हम लोग विश्व में जो है आज चर्चा का विषय बना हुआ है और हम लोग काफ़ी तेजी से विकास कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा, हम लोग विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएंगे। सर, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो भी कार्यकाल में जो भी मैंने चीज किया गया है, आप जो जनता के पास किस चक में पहुँचाइएगा? उनके द्वारा जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजना को हमको जन जन तक जो पहुंचाना है और जो लाभार्थी हैं उनको लाभ मिला। इससे पहले आज किसी भी सरकार में जो है डायरेक्ट लाभ जो है जनता को नहीं मिलता था। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो भी केंद्र से जो भी सहायता राशि या अनुदान जो भी हो,